मैंने कुछ कहा भी नहीं ना। लेकिन आप दुनिया भर की बातें कर गए, ऑल इंडिया विचार मंच, अरे ऑल इंडिया विचार मंच वाले लोग तो कीर्तनकारों को ऊपर उठाने के लिए प्रयासरत हैं। वो केवल आपके लिए नहीं है, हमारे लिए है, और हम जैसे तमाम कलाकारों के लिए उद्धारक हैं। बिल्कुल। लेकिन आपको ऐसा लगता है ऑल इंडिया विचार मंच आपकी बपोती है? बौखलाए गए बाबा जी, आप तो बौखलाए गए हैं बाबा, बौखलाए गए। मैंने कुछ नहीं कहा, सत्य कह रहा हूँ। मैंने कह दिया था मुझे आपका पता ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको मन में बसा लिया है। आप भले मुझसे 2 साल छोटे हैं, 1 साल नहीं है आप मुझसे छोटे, मुझसे आप, मैं 61 वर्ष का हो गया हूँ, 62वें वर्ष में चल रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, बड़े मैंने तो आपको बड़ा घर से मान के चला था, मैं घर से ही आपको बड़ा मान के चला था, क्योंकि आप संत वेश धारण किए हैं और संत हैं, संत का सम्मान करना हमारा धर्म है। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब आप मैंने सिर्फ इतना कहा बाबा कि सिर्फ उछलने कूदने से या नाचने से जवाबी नहीं होती। कोई अपमानजनक बात मैंने आपके लिए नहीं कही, ना मैं कहूंगा रात्रि भर। मैंने तो बल्कि ये कहा, मैं समझ नहीं पाया मुझको आपसे ऐसे गीत नहीं गाना चाहिए। मैं अगर शुरू में समझ लेता या आप मेरे पास थोड़ा वो हो जाते तो मैं ऐसे गीत गाता कि आपकी समझ में आ जाए। और फिर आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, राम ये पीला चोला पहने हैं बाबा हैं। मैंने एक गीत गाया था कि विद्या निधि को विद्या देनी, चौपाई है बाबा जी। आप जो करुणा निधि में करुणा कीनी, कौन सी चौपाई है बताइए? हाँ बताइए, खड़े हो जाना, बता देना कि करुणा निधि पर करुणा कीनी चौपाई है। बिल्कुल। 500 रुपया दूंगा आपको, पैर छूंगा आपके, उसके बाद में रजवा भैया, रजवा भैया, रजवा भैया। आज आधा है रजवा भाई, सत्य कह रहा हूँ, इस कीर्तन मंच पे आधा है। और सिर्फ मैंने बताया था अपने भैया नीरज जी को, और उनसे मना भी किया था किसी को बताना नहीं। मैंने जाने क्या देखा है, आप सपने में दिखाई दिए, मैं इस कार्यक्रम को कर रहा हूँ, सुबह में आपको बताऊंगा तो आप भी कहेंगे धन्यवाद है रजवा भाई, इतनी विपता के बाद भी आप कार्यक्रम गा रहे हैं। लेकिन ठीक है, अपना अपना विचार होता है, नहीं काबिल हर एक होता है, ठीक है, आपकी अपनी विचार है। सुनिए, मैंने अभी कभी गाया, क्या लाए आप बताइए? झुग्गी झोपड़ी वाले करेंद्रे, ए झुग्गी झोपड़ी वाले करेंद्र निराले, कोई पाले नहीं बहम, बहम ना पाले कोई। आज झुग्गी झोपड़ी वाले भी नाच रहे हैं कि मुर्मू बन गई महा महमू बिदलू, पंचायत को चुनाव लड़वा दो मोदी, जय हो आपके। हेलो 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 बाबा जी, हेलो बाबा जी, अभी विचार करना, घर पे जाके विचार करना। आप भले कह रहे हैं हमने उससे गाया, ऐसा कोई कलाकार नहीं जिससे हमने गाना नहीं गाया हो, चाहे वो क्रांति माला हो, चाहे दादा हरिकृष्ण से तो मुन्ना भैया हैं आपके साथ, पूछ लो 500 कार्यक्रम गाए हैं, 1-2 नहीं। वक्त है, आप भगवान आपका भला करे, आप पे कृपा हो गई ऑल इंडिया विचार मंच की, आप आगे बढ़े, आप मुझे खुशी है, मुझे खुशी है। लेकिन सत्यता ये है, आप जवाबी की परिभाषा नहीं जानती,
इसको स्वीकार करिए और स्वीकार कर लेना चाहिए। दादा हरी किसान में थी ये बात, जब मैंने बात गई मन्ने भैया पूछ लो, उन्होंने कहा राज नारायण जी इस गीत का जवाब है नहीं, लेकिन मैंने पैसा जवाबी का लिया है, स्वीकार करिए। और मैंने शहर स्वीकार किया, नहीं दादा आपका जवाब सही है, अरे कम से कम आप ऐसे तो आ जाओ। हाँ मैं तो कह रहा हूँ मैं आपको दिल में बसाए हूँ, आप कह रहे रजवा भाई तुमने तर्ज ही सही नहीं गाई। क्यों साहब मैंने तर्ज नहीं सही गाई? अरे कुर्ता है नीला बाबा जी, पांच साल सिखाएंगे तर्ज, फिर कहेंगे कहो बाबा छोटा। अभी आप रजवा भाई को जानते नहीं है। मैं तो ज्यादा कहना नहीं चाहता, मैं कह रहा हूँ दिल में बसाए हूँ, मैं कह रहा हूँ तुम्हें बड़ा मान रहा हूँ, आप मेरे बड़े हैं, फिर भी आप स्वीकार नहीं कर रहे तो धन्य है आपको। मेरी लाइन थी झुक झोपड़ी वाले करे कोई पाले नहीं, समय नहीं लगाया था। अरे मोदी जी का महिला सशक्तिकरण है, तुम चाय बिछवा लो। ये जानते हैं आप जवाब क्या कह दिया जाए, लेकिन धन्यवाद है आपको। चलिए एक बढ़िया आपका पीस लाए, सुनिए। बाबा जी हैं कहा कि भोर भय पट पर चुनते हैं। आपको मालूम है आपने हिंदुस्तान के बहुत बहुत अंगार देखे,
एक बात और समझ लीजिए, रजुआ भाई स्वयं लिख रहा है। हाँ, तो शायद दो मिनट भी नहीं होते मैं खड़ा हो जाता हूँ, याद नहीं करता हमारे लेखक क्या लिख रहे हैं। सुनिए, आपने कहा अरे चल की धारा चल के नहीं मारा छलके, तारा ने नहीं कहा कि छलके मारा, तारा ने नहीं कहा, बाली ने कहा कि मुझे छल करके मारा। आप बाबा हैं, आप कीर्तनकार हैं, उसके बाद भी गा रहे हैं। तारा ने नहीं कहा, तारा ने तो मना किया जाते वक्त कि वो दीनानाथ हैं, जग के स्वामी हैं, तुम उनसे लड़ने न जाओ। जब बाली ने कहा कि आपने छुपकर मारा हूं मोए ब्याग की नाई, तब राम जी ने कहा कि मूल तो है अतिशय अभिमाना, प्रिया कहस धरे नहीं। तब बाली ने समझा कि ये परात्मा, ये परमात्मा है, ये ब्रह्म है। लेकिन ठीक है, आपकी बात है, चूंकि छल के आना है, आपका छल के आ जाए, लगा दिया बाली को मारा छल के। मेरे राम कोई, मेरे राम श्री राम काहे मारा छल के। अब सुबह का वक्त है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो खड़े होकर के रजो भाई को आशीर्वाद जरूर दे देना। वो आशीर्वाद इसलिए दे देना, मैंने बड़े होते हुए भी आपको बड़ा मान दिया है। केवल आशीर्वाद दे देना कि रजो भाई इतनी जल्दी कहां से आ गया। कहने लगी तारा, आपने प्रभु तारा है नभो का तारा, आपने उस तारे को बितार दिया, ध्रुव तारे को, तारा है नभो का तारा, और तारा को काहे न तारा, तारा को मन से उतारा। ये क्या बात ब्रो, हर बार तारा का जवाब अर्थ बदल जाएगा। तारा को मन से उतारा, मेरे नाथ दीनानाथ कर अनाथ हो निस्तारा। तारा के छलके 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 को तारा निस्तारा, तो तारा नभ का तारा, अलग अलग अर्थों से कोशिश की है। आपको अच्छा लगे तो धन्यवाद दे देना, ना लगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि कीर्तनकार आप भी कहते हैं कीर्तनकार स्वीकार नहीं करता है। चलिए आप क्यों करेंगे, एक एक बढ़िया गीत आप लाए। आप बोले हेलो 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 आइए यार सुनिए। ए पता पता
भगवती जानकी जी कह रही हैं हनुमंत लाल जी से कि पत्ता पत्ता इस बात का अरे हाल हमारा जाने पत्ता पत्ता हाल हमारा जानता है। अच्छी बात है, दुख है जब जानकी जी से मिलने के बाद पहुंच गए हनुमंत लाल जी श्री राम जी के पास। देखिए जवाब आ रहा है, वर्मा जी जवाब आ रहा है। राम जी ने कहा सेवक है। ये ऐसा नाम था जो संसार में राम जी के अलावा और जानकी जी के अलावा कोई नहीं जानता था। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जानकी जी जान गई ये राम जी के सेवक हैं। और जब राम जी के पास पहुंचे हनुमंत लाल जी, उन्होंने कहा करत रक्षा स्वप्राण की। तो एक बात कही हनुमंत लाल जी ने,
क्या करो भैया? राम अवतार जी, राम अवतार जी, उद्घोषक महोदय जी, थोड़ी देर और है। एक बात कही हनुमंत लाल जी ने, प्रभु नाम पाहिरु दिवस निस, नाम नाम पाहिरु दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, जाए प्राण के ही बात। आप पूछ रहे हैं कि प्राण कैसे बचाए हैं जानकी जी, तो मैं बता रहा हूं। बोले अशोक वाटिका थी तो शोक नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवती बैठी अशोक वाटिका में शोक ग्रस्त थी। लंका जलाने लगा, जब तरवर जलने लगे, बन जलने लगा, तो हुआ क्या? क्या हुआ? लेती है, लेकिन हुआ क्या?
टपटता। अरे बेहाल लगा मन माने पटपटा 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 भारी भरकम गीत का जवाब आपसे आगे बढ़ाएंगे। अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक बार, आप जब कर्ण से कहलवा रहे थे, हो सकता है क्योंकि जब लेखक एक हो जो गा रहा हो वो ही लिख रहा हो तो वो आपका पूरा गीत नहीं सुनेगा। अगर वो आपका पूरा गीत सुनने लगेगा ना महाराज जी तो लिखेगा क्या? वो लिखेगा क्या? मैं तो आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, ये है मेरी कॉपी, एक लाइन मिला दीजिए, जितनी लाइनें आप कह रहे हैं मेरा गा रहे मेरा गा रहे मेरा गा रहे। ब्रह्मा जी आपके सामने सौगंध खा के कह रहा हूं, हनुमंत लाल जी के प्रांगण में गाना बजाना बंद करूंगा। एक लाइन बता दीजिए, ये मेरी गाती है, आपने जवाब। लेकिन ये है बाबा बनकर के भी आप क्या कह रहे हैं, सुनिए मैंने क्या गाया था। आप कह रहे हैं कि मेरा गा दिया पांच, मैंने कहा था, आपने कहा था छुपाना चाहा था, छुपाना छुपाना पाई फिर छुपाना पाई। मैं कह रहा हूं कि चाहा था बचाना अपना तुझे, मैं अब तक बचाना पाई। बताओ क्या है आपका? स्तन पान करा सकीना ना समारे बाल है, वो भी मेरे लाल है और तू भी मेरा लाल। एक बात मिला दीजिए, लेकिन बाबा जी धन है आप, धन है आप। अब हम क्या कह रहे हैं आप? उसके बाद कह रहे हैं तर्ज सही नहीं गा रहे, भैया तर्ज सही नहीं गा रहे, पार्ट शॉप पे जाएगी ये बात, पार्ट शॉप पे जाएगी, सब लोग सुन लेंगे। अरे सब लोग सुन लेंगे तो बाबा जी थूकेंगे आपको। ये समझो आप इस रूप में भी कलाकार को इस तरह से कह रहे हैं, जो मेहनत कर रहा है और जो आपको बड़ा मान रहा है, आपको स्वीकार कर रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं व्हाट्सएप पे जाएगा, व्हाट्सएप पे सुन लेना आप कमेंट्स क्या आएंगे आपके लिए, क्या व्हाट्सएप आपके लिए है? संसार सुनेगा, संसार जानेगा सत्यता क्या है, सत्य छुपता नहीं। चलिए ठीक है लीजिए, हेलो निकाल लिया था दूसरा गीत, लेकिन जब कह रहे हैं तो एक गीत भी सुना रहा हूं आपको। वालों ने कहा
जाने बाबा हम क्या करें, ये दिल तुम कहीं लगता नहीं, हम क्या हरिश्चंद्र पर संकट आया, परीक्षा दे रहे हैं, सतयुग से शुरू हो रहा, बोले ए बंधे हैं सत्य बंधन से, लेकिन पानी का घड़ा नहीं उठ रहा, जब नहीं उठ रहा था तो कहने लगे दबाइए और घड़ा रख लीजिए, जल के ऊपर गुरुत्वाभार कम हो जाता है, उठ जाएगा, तो निकल जल से घड़ा उठता नहीं, हम क्या ए तुम ही के दो अब आए मेरी प्रिया, हम क्या संसार में नहीं है जो इन बंधनों से परे हो। दूसरा वचन है जानकी जी द्वारा, वो है धर्म का बंधन। बोली क्या ए
वंश रघुवंशी कोख लक्ष्मण हमारी है। हमारी कोख में रघुवंश का अंश है। आए लखनलाल जी, धर्म का बंधन है, तोड़ा नहीं जा रहा है। क्या कह रहे हैं? पालती अंश रघुवंशी कोख लक्ष्मण हमारी है। ए परेगा जब कभी अवसर रहे साक्षी तुम्हारी है। हो सकता है फिर परीक्षा लेने लगे रघुनाथ जी, तो आप साक्षी है, आपको कहना होगा। ए पड़ेगा जब कभी अवसर रहे साक्षी तुम्हारी है, और बिना प्रभु के समय कटता नहीं, हम क्या करें। सामने पहुंच गई, भीष्म कहने क्या लगे, बंधा है वचन का बंधन, मैं विवाह नहीं कर नहीं कर। तो बंधा है वचन का बंधन, मैं ऐसा ब्रह्मचारी और प्रतिज्ञा है अटल में। मैं सुभाषीष जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद मिला है। क्या मिला? ए प्रतिज्ञा से पिताश्री का मैं शुभ आशीष धारी हूँ, और वचन से मन वचन से हम क्या करें।
ऐसा ऐसा प्रेम का बल था जो बंद के फिर नहीं छूटे। मैंने क्या लिखा? मंत्र मंथुरा ने दिया
लाल लाल करने और राजा दशरथ से के कई बोली ऐसे में दो वरदान मांग लिए और जब दो वरदान मांगे तो महाराज दशरथ ने कहा मांग मांगती हो तुम ऐसी की मिट जाए मांग न मांगो मोरी रानी हाथ जोड़ रहा ये मांग ऐसी मांग न मांगो क्योंकि जल्दी में निकल नहीं पाया है गीत लेकिन गा रहा हूं कटपीस है कहने लगी रानी के गई आए महाराज आप कहते हो मेरी मांग मिट जाएगी मेरी मांग मिट जाएगी तो बोली मेरी मांग मिट जाने दो वो कहने क्या लगे महाराज गुस्सा थूक दीजिए हंस के मुस्कुरा के इस बात को सुनिए मेरी सोच जाती कहां है कहने लगी क्या गई मांग मिट जाए मेरी थोड़ी सुनिए इसको कहने लगी मांग मिट जाए मेरी मांग दो क्या है तेरी मांग मांगने का मुझको अधिकार है और बोली ए मांग मन में समानी मांग से क्या परेशानी जो विचार है अरे एक मांग देने से लाखों मांग जो बचे अगर मेरी एक मांग जाती है और राम जी वन में जाकर के उन निशाचरों को मारेंगे जो नित्य हजारों लाखों मांगे उजाड़ते हैं तो मेरी अरे एक मांग देने से लाखों मांग जो बचे आ रहे हैं आपके सामने परम सम्मानी
बलवीर सिंह बगल बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बाबा जी।